एबीपीएस न्यूज। एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद हाथरस के ब्लॉक हाथरस में स्थित महू खास गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 25 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर ही है। लगभग 6000 की आबादी व 3000 वोटरों द्वारा रीता नरवरिया को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 750 राशन कार्ड धारक हैं। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्राइमरी पाठशाला एवं जूनियर हाई स्कूल में लगभग 255 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गांव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 98 हैंडपंप लगे हुए हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा 15 हैंडपंपों को भी रिवोल कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में लगभग 275 विद्युत पोल, 10 विद्युत ट्रांसफार्मर व 50 सोलर लाइट भी लगी हुई हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 14 सीसी टाइल्स रोड, खडंजे व पानी की टंकी का निर्माण कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 225 इज्जत घर व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक आवास का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, आंगनबाड़ी केंद्र, विद्यालय में पानी की टंकी, पशु चिकित्सालय, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। वर्तमान में मैं प्रधानमंत्री, पूर्व में 2005 में मैं प्रधान रहा था। मैंने अपने बीते हुए कार्यकाल में वर्तमान में मैं प्रधानमंत्री, पूर्व में मैं प्रधान भी रह चुका हूँ। मेरा गुलाब हाथरस है, ग्राम पंचायत का नाम बहुत है और मेरा जो तहसील है हाथरस है, जनपद हाथरस है। मैंने अपने बीते हुए कार्यकाल में जो यहाँ कार्य कराए हैं, विकास के कार्य कराए हैं, जिसमें 3-14 इंटरलॉकिंग और नाली सहित निर्माण कराया गया है, मनरेगा में एक तालाब की खुदाई, प्रधानमंत्री आवास एक जो 2011 की जनगणना के अनुसार, और यहाँ एक हिम्मत पर मिले के लिए एक पानी की टंकी का निर्माण कराया गया, जहाँ दोनों ही गांव बहुत पानी को लेकर तनाव की स्थिति में रहते थे, जहाँ खारा पानी और पाँच, इसमें हमने 5 रिवोर करा दिए हैं, 6 रिवोर करा दिए और अभी पूरी तैयारी में है। टंकी की वजह से हमारा निर्माण कार्य थोड़ा रुका हुआ था और उसको जल्दी ही पूरा करा देंगे। ग्राम पंचायत में 6 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, लेकिन भवन किसी के पास नहीं है, निजी घरों में पढ़ाती हैं, इसलिए उनके आंगनबाड़ी केंद्र चलाने के लिए भवन के निर्माण का भवन की आवश्यकता, और गरीब लोगों की संख्या ज़्यादा होने के कारण जिनके पास अपना निजी आवास नहीं है, रहने के लिए नहीं है, उनके लिए बहुत सारे लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास की आवश्यकता, विकास कार्य ज़्यादा होने की वजह से धनराशि कम, विकास कार्य ज़्यादा कराने हैं इसलिए पैसा धनराशि का अभाव है। अगर किस्त ज़्यादा मिले, किस्त में पैसा ज़्यादा मिले तो संभवतः विकास कार्य होगा, उसकी पशु चिकित्सा की आवश्यकता है, एक पशु चिकित्सालय होना चाहिए और मेन खारे पानी का क्षेत्र है, विद्यालयों में मीठा पानी नहीं पहुंच पाता, बच्चे खारे पानी से प्यास नहीं बुझा पाते।